हेलो फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास यामहा RX 100, सुजुकी मैक्स 100, इन दोनों का इंजन सेम ही रहता है। दोनों टू स्ट्रोक की गाड़ी रहती है। तो आज हम बताएंगे इसके गियर बॉक्स, इधर देख पा रहे हैं सारे पिनियन वगैरह किक का शाफ्ट वगैरह खोल के रखे हैं, और इसका बताएंगे किस तरह से इसके जो गियर बॉक्स को असेंबल किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। और एक जो मेरे जो सब्सक्राइबर भाईजान इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि इसमें टूटी ऑयल का मिक्स क्यों होता है, तो आज हम बताएंगे टूटी ऑयल इसमें क्यों डाला जाता है और उसका क्या काम है, 4 स्ट्रोक में क्यों नहीं डाला जाता और 2 स्ट्रोक में क्यों डाला जाता है, और गियर बॉक्स का कंप्लीट किस तरह से असेंबल किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पिनियन के बारे में बताएंगे कैसे वो वर्क करता है और सेलेक्टर वगैरह को कैसे फिटिंग करना है। तो दोस्तों, ये है मेरा स्पोकेट शाफ्ट जो बाहर जिसमें चेन की गरारी लगती है। तो इसमें 2 पिनियन असेंबल है, यहाँ पे एक लॉक है, इसको आप खोल सकते हैं यहाँ से और असेंबल कर सकते हैं। तो एकदम नॉर्मल है ये शाफ्ट में, ये जो हमारा पिनियन है ये हमेशा के लिए अटैच रहता है। ये जब इसको रिप्लेस कीजिएगा ये पिनियन इसी में अटैच रहेगा, बट ये पिनियन को आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप बिना वॉशर डाले, क्योंकि 2 स्ट्रोक में वॉशर नहीं रहता गियर पिनियन में इसके गैपिंग के लिए, जो स्पोकेट शाफ्ट है इसमें, तो इसमें जो नॉर्मल एक हमको ऊपर का पिनियन है इसका डालना पड़ेगा इस तरह से, सेलेक्टर वाला पिनियन जो इसमें हमारा सेलेक्टर आता है, इस जगह पे सेलेक्टर लगता है। तो इसको इस तरह से डाल देंगे, ये देख पा रहे हैं ये यहाँ पे फिटेड आ गया, और इसको इस तरह से चेक कर लें प्रॉपर तरीके से हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारा फिटेड हो गया। अब इसके बाद एक जो बड़ा वाला पिनियन होता है, ये वाला पिनियन आपको दिखा दें, ये पिनियन, ये जो हमारा पिनियन है जो हमारा किक से रोटेट होता है, इस जगह पर हमारा किक जो लगता है यहाँ पर किक का शाफ्ट वो रोटेट होता है, और इसी से हमारी जो गाड़ी घुमाता है क्रैंक वगैरह, इसी से गाड़ी स्टार्ट होता है। तो देख पा रहे हैं इसमें दो तरह से, इधर एक घाट बना हुआ है ये पोर्शन पे और इधर नॉर्मल है। तो आपको देख पा रहा होगा जब आप इंजन खोलें तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इधर से स्क्रेचेस पड़े हुए हैं। तो ये जो स्क्रेच वाला पार्ट से ये नीचे की ओर जाएगा, इस तरह से ये अंदर बैठ जाएगा। इसको आप ऊपर से इस तरह से ना डालें ताकि इसका जो फिनिशिंग सही से नहीं हो पाएगा, ये देख पा रहे हैं ऊपर ये फ्री पड़ जाएगा। इसको नीचे से डालें, आपको दिखा दें, इस तरह से डालें ताकि ये जो सिलेक्टर के मदद से इस तरह से इस पर पिनियन लॉक हो जाए, देख पा रहे। और इसको इधर से डालेंगे तो ये पिनियन हमारा लॉक नहीं होगा, इस तरह से इसको डालें ताकि प्रॉपर तरीके से फिटेड हो जाए। तो ये हमारा स्पोकेट शाफ्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका जो क्लच का शाफ्ट है उसको किस तरह से फिटिंग करना है, इसका किक का टाइमिंग किस तरह से करना है, और इसके टूटी ऑयल मिक्स क्यों होता है उसके बारे में बताते हैं। ये स्पोकेट शाफ्ट कंप्लीट है, अब हम आपको बताते हैं क्लच शाफ्ट किस तरह से असेंबल किया जाता है। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं ये हमारा जो स्पोकेट शाफ्ट ये कंप्लीट हो गया, और क्लच शाफ्ट कुछ इस तरह से दिखता है। तो आपको दिखाएंगे इसके जो नीचे पोर्शन में एक लॉक टाइप का बना होता है, उस लॉक को कैसे आपको असेंबल करना है ताकि ये पिनियन हमारा बाहर ना निकले, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अगर खुल जाए तो फिर आपको फिर से इंजन जो असेंबल किया होगा फिर से खोलना पड़ेगा। तो आपको दिखाएंगे वो फिटेड किस जगह पे होता है और उसको प्रॉपर तरीके से किस तरह से फिट करना है। तो दोस्तों, ये रहे दो कट वॉशर और एक ये लॉक रहता है, तो इसको फिटिंग करना थोड़ा सा टफ रहता है। तो किस तरह से इसको असेंबल करना उसके बारे में बताएंगे। ये यहाँ पे हमारा बैक साइड पे इंस्टॉल होता है ताकि हमारा पिनियन ये बाहर ना निकले, ये इससे ज़्यादा बाहर ना निकले ताकि हमारा ये चैम्बर में टच ना हो। यहाँ पे एक लॉक टाइप का बना हुआ, तो इसी में ये असेंबल होगा। तो इसको किस तरह से फिट करना उसके बारे में बताएंगे। तो ये आपको आसानी से देख पा रहे हो कैमरे में, ये लॉक इस जगह पे यहाँ पे असेंबल हो जाएगा। ये कट जो है इस जगह पे, इस कट में एक लॉक रहेगा इस जगह पे, और एक इधर राइट साइड में कट लॉक रहेगा यहाँ पे, इस जगह पे दोनों असेंबल रहेगा। किस तरह से इसको इंस्टॉल करना उसको आप डिटेल में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं ये जो हमारा इनपुट शाफ्ट क्लच शाफ्ट के है, जो इसमें यहाँ पे घाट दिख रहा हो, तो इसमें इस तरह से एक लॉक यहाँ पे अटैच कर देना है, इस तरह से आपको दिख पा रहा होगा आसानी से, यहाँ पे ये लॉक हमारा अटैच हो जाएगा इस जगह पे, और एक ये राइट साइड में इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे डाल देना है इस जगह पे, इस जगह पे यहाँ पे हमको फिटेड करना है इस तरह से। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ दोनों लॉक मिल जाता है यहाँ पे, इस तरह ये लॉक मिल जाएगा। अब इसके जो पिनियन में इस तरह से घाट है यहाँ पे, इसको बैठाना पड़ता है इस जगह पे, आपको आसानी से दिख पा रहा हो, समझा देते हैं आपको बेटर तरीके से। तो दोस्तों, इस तरह से इसको लॉक को इस तरह से बाहर की ओर पुश करेंगे, तो देख पा रहे हैं ये बैठ गया, और ऊपर तरीके से यहाँ पे ये प्लस का निशान बना होता है, आप खोलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक पिनियन पे यहाँ पे लॉक है, आपको फ्लश करके दिखा देते हैं इस तरह से ऑन कर, इस जगह पे एक लॉक बना हुआ है, यहाँ पे एक लॉक डालेंगे, एक बड़ा सा लॉक होता है इस तरह से, एक लॉक होता है जो यहाँ पे फिटेड आएगा। तो इसको सिर्फ लॉक प्लास की मदद से इसको फिटिंग करना है,
इस तरह से इसको थोड़ा सा पुश करेंगे और ये आसानी से बैठ जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस का आइकन भी बैठ गया और ये लॉक के प्लस का जो होता है ये भी बैठ गया। अब हमारा बाहर नहीं आएगा पिनियन और प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। अब आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए सिलेक्टर को किस तरह से असेंबल करना उसके बारे में बता देते हैं, फिर आपको हम बताएंगे इसके टूटी ऑयल इसमें क्यों मिक्स होता है, उसके बाद आपको बताएंगे केक का शाफ्ट कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं फाइनली हमारे हाथ में ये सिलेक्टर है, ये बड़ा वाला सिलेक्टर जो हमारा स्प्रोकेट शाफ्ट का है, छोटा सिलेक्टर हमारा क्लच शाफ्ट का है। तो इस तरह से हमारा जो बड़ा वाला शाफ्ट है ये इस तरह से यहाँ पे परफेक्ट तरीके से फिटेड आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे फिटेड आ जाएगा हमारा स्प्रोकेट शाफ्ट और इसमें फिटेड आ जाएगा हमारा क्लच शाफ्ट। इस तरह से यहाँ पे फिटेड इस तरह से आया, इसको आप कंप्लीट इसी तरह से असेंबल कर देना। और इसके बैक साइड पे यहाँ पे आपको दिख पा रहा है एक बोल्ट टाइट होता है, उसको टाइट करना है और न्यूट्रल लाइट की पट्टी जो होती है उसको किस तरह से डालना है उसके बारे में बताएंगे। तो ये हमारा देख पा रहे हैं क्लच शाफ्ट और गियर शाफ्ट प्रॉपर तरीके से वर्क करता है या नहीं करता है, इसको हम वहाँ पे असेंबल करने के बाद आपको दिखाएंगे। और कहाँ पे वॉशर डालना है और टूटी ऑयल का मिक्सिंग किस तरह से होता है, इसके न्यूट्रल लाइट की पट्टी आपको इधर दिख पा रही होगी इसको किस तरह से असेंबल किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये हमारा शाफ्ट, और आपको बैठाने से पहले बता दें ना इसके नीचे चैम्बर में वॉशर होता है ना इसके ऊपर वॉशर होता है, कहीं पे आपको वॉशर डालने की ज़रूरत नहीं है टू स्ट्रोक में। आप नॉर्मल इस तरह से इसको यहाँ पे मिलाने के बाद ये जो हमारा स्प्रोकेट वाला शाफ्ट है ये अंदर की ओर पुश हो जाएगा और ये आसानी से बैठ जाएगा। इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे तो देख पा रहे ये हमारा प्रॉपर तरीके से बैठ गया। अब इसके ऊपर हमें जो डालना है पिनियन वगैरह फिटेड करना है तो उसको किस तरह से डालना है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब जो हमें डालना पड़ेगा इसमें जो एक बड़ा वाला पिनियन होता है, आपको बता चुके हैं जो स्क्रेच वाला पार्ट्स रहेगा वो अंदर जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको पुश करेंगे तो ये बैठ जाएगा आसानी से। अब इसके ऊपर हमें तीन वॉशर डालना पड़ेगा, आपको बता चुके हैं यहाँ पे दो वॉशर पतला वाला जाएगा अंदर इस तरह से यहाँ पे बैठ जाएगा, और इसके जो एक इस तरह से गोली वाला वॉशर रहता है वो यहाँ पे जाएगा, और इसके ऊपर एक बड़ा वॉशर आता है इस तरह से, ये डालना ना भूलें। यहाँ पे ये फिटेड हो गया। अब आपको हम बताएंगे किक शाफ्ट को किस तरह से बैठाया जाता है और उसकी टाइमिंग किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों ये हमारा रहा किक की गरारी, तो ये जो हमारा असेंबल होगा इस जगह पे असेंबल होगा। तो उससे पहले हमें जो डालना है इस तरह से कट वॉशर डालना है यहाँ पे, ये कट वॉशर हमारा असेंबल हो जाएगा। उसके बाद जो हमें डालना है इस तरह से एक और वॉशर रहता है इसके ऊपर, ये असेंबल करना है यहाँ पे जो इसको प्रेस करके रखता है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो हमें इसके थोड़े से पोर्शन पे ध्यान देना है ये इसका रहा किक का शाफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अंदर एक यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है उसको डालना ना भूलें, इस जगह पे एक स्प्रिंग होता है यहाँ पे, तो एक छोटा सा स्प्रिंग उसके अंदर डालेंगे ताकि हमारा किक प्रॉपर तरीके से वर्क करे। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं हमारा स्प्रिंग इसके अंदर चला गया। अब इसके ऊपर एक पुश रॉड होता है इस तरह से, ये देख पा रहे पुश रोड बैठ गया। अब इसके ऊपर एक सिलेक्टर रोड रहता है जो यहाँ पे इस तरह से आसानी से बैठ जाएगा, ये देख पा रहे हैं इसी से हमारा किक जो वर्क होता है इस तरह से, ये बैठ गया। अब इसके जो पिनियन में है इसको हमें अटैच कर देना है इस तरह से, आसानी से लेंगे ये देखिए अंदर बैठ गया। तो इससे आपको पता चलता है कि किक किस तरह से, अगर किक आपका टूट जाए स्प्रिंग तो इस तरह से ये किट 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 से आवाज़ करेगी और इसी से हमारा किक काम करता है। बहुत बार होता है कि किक रिजिड स्लिप होने का रीज़न जो होता है, कारण जो होता है नॉर्मल, सिर्फ ये जो हमारा स्प्रिंग होता है इसके अंदर, आपको जो बता चुके हैं इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो टूट जाने के कारण कभी बाय द वे होता है कि आपकी जो गाड़ी का किक काम करना बंद हो जाता है। तो इसको भी आप खोल के देख सकते हैं किक स्प्रिंग का, अगर प्रॉपर तरीके से काम ना करे तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसको नॉर्मल सिर्फ यहाँ पर असेंबल कर देना है, तो इसको असेंबल करेंगे तो इस तरह से इसको किक मारेंगे तो हमारा इंजन तो रोटेट ना हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे एक पिनियन रहता है जो फोर्थ नंबर का, इसको डालना पड़ता है इस जगह पे। यहाँ पे ये पिनियन डाल के एक वॉशर डालेंगे, उसके बाद ये हमारा किक की गरारी बैठ जाएगा, ये देख पा रहे हैं आसानी से इसको सिर्फ टीथ मैचिंग करना है, ये देख पा रहे हैं बैठ गया और हमारा किक भी आराम से काम कर रहा है। अब आपको सिर्फ लास्ट स्टेप बता देते हैं इसका, जो क्रैंक शाफ्ट में टूटी ऑयल क्यों डाला जाता है।
तो दोस्तों आपको बता दें कि ये टू स्ट्रोक है, इसका जो हम इंजन में ऑयल डालते हैं हमारा इधर जो गियरबॉक्स चैम्बर और क्लच चैम्बर में सिर्फ ऑयल आता है, इसके क्रैंक शाफ्ट में हमारा इंजन ऑयल नहीं जाता है। इसमें इसलिए हमको इंजन ऑयल जो पेट्रोल में थोड़ा सा टूटी ऑयल मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि इसको लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि हमारा जो इसका बैरिंग होता है इधर इसके इस साइड यहाँ पर बैरिंग होता है, तो बैरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए हमको जो पेट्रोल में ऑयल टूटी ऑयल का मिक्स करना पड़ता है, ताकि इसके क्रैंक शाफ्ट के बैरिंग को लुब्रिकेट करे। इसके जो क्रैंक शाफ्ट के रोड है, ये रोड मैंने नया डलवाया है, क्योंकि टू स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा साउंड करता है रोड, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं रहता है इसलिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टूटी ऑयल मिक्स करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि इसके जो फोर स्ट्रोक गाड़ियाँ होती है उसके क्रैंक शाफ्ट जो है पूरा मोबिल में डूबा हुआ होता है, तो उसमें आप टूटी ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इसमें जो है इतना सिर्फ पेट्रोल से आता है, इसमें सिर्फ पेट्रोल आता है, इसमें आपका इंजन ऑयल नहीं जाता है। जितना भी आप इंजन ऑयल डालते हैं इधर सिर्फ किक चैम्बर, इसका जो है किक चैम्बर और गियर बॉक्स और इसका क्लच चैम्बर में रहता है, ना कि क्रैंक शाफ्ट में। क्रैंक शाफ्ट को लुब्रिकेट करने के लिए इसके पेट्रोल में मोबिल का मिक्स करना पड़ता है। अब आपको हम बताएंगे इसके न्यूट्रल लाइट की पट्टी को किस तरह से बैठाया जाता है। इधर तो सारे हमारे पिनियन बैठ गए हैं, ये देख पा रहे हैं हमारा प्रॉपर तरीके से गियर वर्क कर रहा है, और ये हमारा किक शाफ्ट भी बैठ गया। किक शाफ्ट बैठाने का आसान तरीका आपको दिखा दिए, इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और ये हमारा बैठ गया। अब आपको बताते हैं न्यूट्रल लाइट पट्टी को किस तरह से बैठाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेलेक्टर का रोड और यहीं पे हमारा न्यूट्रल लाइट का पट्टी लगा होता है, तो इसको किस तरह से असेंबल करना है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे एक आपको पुश दिख पा रहा होगा, इस तरह से इसके अंदर डॉट बना हुआ है, तो ये डॉट हमारा इस जगह पे एक लॉक सा बना हुआ उसमें हमारा ये असेंबल हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, इस तरह से बैठ जाएगा। और यही पट्टी हमारा न्यूट्रल लाइट का काम करती है। बट इसमें एक फ़ायदा है, अगर फोर स्ट्रोक का न्यूट्रल लाइट का पट्टी टूटे या न्यूट्रल लाइट ना काम करे तो उसके लिए आपको पूरा इंजन खोलना पड़ जाएगा। बट टू स्ट्रोक में ऐसा नहीं, अगर आपका न्यूट्रल लाइट ना जले, न्यूट्रल लाइट काम ना करे, तो आप साइड से इस न्यूट्रल लाइट पट्टी को आप जो इसको चेंज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, बाहर ही बाहर पूरा इंजन खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके ऊपर एक कवर आता है इस तरह से, और ये जो यहाँ पे एक डॉट सा दिख रहा है, इस डॉट पे हमें ये मैचिंग करना है। ये जहाँ जहाँ इसमें एक न्यूट्रल लाइट की वायर अटैच होती है, तो इसको सिर्फ तीन स्क्रू ड्राइवर के मदद से हमें टाइट करना है। इस तरह से लॉन्ग लॉन्ग स्क्रू ड्राइवर होते हैं, इसको इसी से हमको टाइट करना है। तो कंप्लीट टाइट कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। आपको समझ में आ गया होगा गियरबॉक्स को किस तरह से असेंबल किया जाता है। तो दोस्तों फाइनली आपको समझ में आ ही गया होगा इसका गियरबॉक्स को किस तरह से असेंबल किया जाता है, और इसके जो क्रैंक शाफ्ट में टूटी ऑयल का क्यों मिक्स किया जाता है इसके पेट्रोल में, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और इसके फुल इंजन पार्ट्स का अगर आपको फिटिंग चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, क्योंकि टू स्ट्रोक का बहुत से भाई को पता नहीं है। तो अगर आपको टू स्ट्रोक इंजन का फिटिंग चाहिए, क्योंकि इसके क्लच वगैरह फिटिंग करना बहुत टफ होता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको हम बना के दिखा सकें फुल इंजन को किस तरह से असेंबल किया जाता है। तो आपको वीडियो तो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट पूरा फुल फिटिंग चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।